मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर जहां भाजपा खुशियां मनाने में लगी है, तो वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बेहद बेतुका बयान देते हुए भाजपा पर जोरदार तंज कसा है। सपा सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनसे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई, और दूसरा एक और कानून बना दिया गया है, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों से जो नाइंसाफियां हुई, जिसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आ गए और आसमानी आफत आई हुई है। कोरोना के चलते हजारों लोग मारे गए। जब नीचे वाले इंसाफ नहीं करते तो ऊपर वाला इंसाफ करता है। आपने देखा नहीं, इंसानों की लाशें कुत्ते खा रहे थे और लाशें नदियों में बहा दी गई, शमशानों में लकड़ियां कम पड़ गई। आखिर ये किस तरह की सरकार है? क्या ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है? सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन इतने भर से नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सरकार है और हाकिम है, उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में और भी आसमानी आफतें आ सकती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हो, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसके एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो अब 2 जून की रोटी लिए अब पटरियों को बजा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। सर, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है? सर, देखिए, हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है? लाशों की कितनी बेहरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। आपने देखा नहीं कि शमशान घाटों में लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई। आखिर कौन सी सरकार रही है? क्या सिर्फ बड़े लोगों की है? मल्टी मिलियनर्स की सरकार है, गरीब का कोई हक नहीं है यहाँ पर। ये गरीब भी उसी ने पैदा किया है जिसको अमीर को जिसने पैदा किया है, मालिक सबका एक है। तो बीजेपी ने गरीबों की मदद करने के लिए 1,000 रुपये मजदूर को भी भत्ता दे रही है, फ्री राशन दे रही है, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, ये बीजेपी का कहना है। 7 साल की सरकार उनकी कामयाब सरकार रही है। कितनों को मिलना है? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपके आसपास किसी को मिला? और जो मेरी बात सुनना है वो बता दें कितनों को मिल गया। हवाई बातें, जुमलेबाजी करना और झूठ बोलना एक आदत सी पड़ गई है। हकीकत, ज़मीनी हकीकत हम सबको मालूम है। एक वक्त की रोटी मिल जाती है तो अगर दूसरे वक्त फाके हो रहे हैं लोग, वो ज़मीनी हकीकतों को सरकार को देखना चाहिए। जो बेवाएँ हो गई, जो यतीम हो गए, जिनके घर से कमाने वाला चला गया, जिसके घर का चिराग उजड़ गया, उसको पूछने वाला कोई है आज? डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट सवाल है, मुरादाबाद में 5 प्लांट ऑक्सीजन के लगने जा रही है और बीजेपी की देन है, क्या कहेंगे? अभी तक क्यों नहीं लगे थे? 21वीं सदी के भारत में जब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है कि हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गए? किसी और मुल्क के बारे में आपने सुना है सर कि सिलेंडर की मारामारी हो रही है? अगर कोई अपने बाप के लिए सिलेंडर लेके आया तो कोई दूसरा उसका सिलेंडर छीने लिए जा रहा है कि मुझे अपनी बीवी को लगाना है? कभी सुना है आपने? ये सब कुछ हुआ, सरकार के कान पे झूनी रहेंगी। अब
लगा रहे हैं, लगने चाहिए, बेड बढ़ने चाहिए, आईसीयू बढ़ने चाहिए, न मालूम कब कैसी महामारी आ जाए। क्योंकि जो हालात हैं देश के और जो हाकिम हैं इस देश के, उनके हिसाब से हमें और ज़्यादा आसमानी आफतों का हमें अंदेशा है।